हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानशु रावत और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ एलाइंस IAS एकेडमी में। आज हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड कुछ MCQs कवर करने वाले हैं। रूल ऑफ द गेम्स वही हैं जो अब तक रहे हैं। आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू टेक अ पॉज एंड यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर और व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक नीचे इन द कमेंट बॉक्स, राइट। तो जैसे ही स्क्रीन में आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको पॉज बटन प्रेस करना है और अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन पर पोस्ट करना है, राइट। सो टेक योर टाइम, एक एक क्वेश्चन में आप आराम से 2-3 मिनट दे सकते हैं एंड प्लीज मेक श्योर कि आप इसे रियल एग्जाम लाइक कंडीशन की तरह ही ट्रीट करें एंड दिस इज गोना सी कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है। जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, फॉर दोज स्टूडेंट्स दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग क्योंकि इनका लेवल काफी ऊपर रखा गया है। सो लेट्स बिगिन अवर MCQs सीरीज फॉर 2020 and 2021 एग्जाम। सो हियर वी हैव अवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस वर पास्ड इन द कलकत्ता सेशन of the Indian National Congress in 1906, कलकत्ता का जो 1906 का जो सेशन था, Indian National Congress का जो सेशन था कलकत्ता में, इनमें से निम्नलिखित में से कौन-कौन से resolutions पास किए गए थे? पहला ऑप्शन है स्वदेशी, दूसरा है बॉयकॉट, तीसरा है नेशनल एजुकेशन, चौथा है सेल्फ गवर्नमेंट। यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। आपका पहला ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1, 2 and 3 only, and the last option is all of the above. So press your pause button, think about it. Elimination method use कर सकते हैं। जितना आपने पढ़ाई के टॉपिक हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास में, right? So push your press button and attempt this question and do not forget to mention your answer in the comment box. हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, राइट। मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा इस पूरी प्रैक्टिसेस में, राइट। तो मैं स्पीड के साथ चलता रहूंगा, आप अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रेस बटन पॉज करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप स्लाइड्स को पढ़ेंगे, आंसर्स चेक करेंगे एंड एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर यू हैव टू राइट योर कंप्लीट स्कोर कि आपका पूरा स्कोर कितना रहा है। सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Okay, so answer is D option. D option मतलब सारे के सारे statements बिल्कुल सही हैं. All of the above statements are correct, right? अगर हम 1906 के कलकत्ता resolution के बारे में बात करें जो कि कांग्रेस के द्वारा लिया गया था, तो अगर आपको थोड़ा बहुत मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आइडिया है तो ये वो फेज है जब आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे और 1906 वो दौर है, वो टाइम है जब कोशिश की गई थी कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा सा ईज आउट किया जाए, इन्हें कम किया जाए, ठीक। अगर हम बात करें मॉडरेट लीडरशिप की और आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप की, तो मॉडरेट लीडरशिप जो थी वो किन चीजों पर यकीन रखती थी? वो यकीन रखती थी पीसफुल प्रोटेस्ट पर, वो यकीन रखती थी किस चीज के ऊपर? वो यकीन रखती थी प्ली के ऊपर, राइट। दादा भाई नैनो जी जो है लीडर हुआ करते थे आपके मॉडरेट फैक्शंस के। लेकिन जब हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की, या फिर आपने सुना होगा बाल की जो जोड़ी, लाल बाल पाल की जो जोड़ी हुआ करती थी, दे रिप्रेजेंटेड योर एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस ऑफ द कांग्रेस मैन, राइट। तो इसमें आपके मतलब के जो पॉइंट है वो ये है कि चारों के चारों रिजोल्यूशंस को पास किया गया था, यानी स्वदेशी अपनाओ रिजोल्यूशन पास हुआ था, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स जो है वो पास हुआ था, नेशनल एजुकेशन के ऊपर काम हुआ था एंड सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज के ऊपर रिजोल्यूशन पास किया गया था। और क्या याद रखना है आपको? याद रखना है कि 1906 का जो सेशन था, दैट सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नैरोजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये माना जाता है कि दिस वाज द फर्स्ट ओकेजन व्हेन दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वाज सीन इन द पब्लिक, पहली बार पब्लिक नोटिस में ये आपको देखने को मिला था। जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हीं को हम नेशनलिस्ट भी कहते हैं। बाकी जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं टेक पॉज और इन सारे पॉइंट्स को आप राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। Anyway, मैं आपको वैसे भी ये स्लाइड्स जो है ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा और इन केस अगर आप इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए और मैं आपको ये फाइल जो है ये PPT आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
Question number two. Consider the following statements with respect to the Mountbatten plan. Mountbatten plan के बारे में आपको you have to identify the incorrect statement. मैंने रेड पे यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है उसको, बट इन रियल एग्जाम आपको अलग कोई कलर नहीं दिखाई देगा वहां पर. सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. तो पहला स्टेटमेंट है रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पार्टीशन इज प्रपोज्ड इन एटलीस्ट डिक्लेरेशन. क्या एटलीस्ट डिक्लेरेशन का जो आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन था उसको माउंटबेटन ने रिजेक्ट कर दिया था. इट प्रपोज्ड अ रेफरेंडम फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ओनली. क्या एनडब्ल्यूएफपी में रेफरेंडम कंडक्ट करने का जो प्रोविजन था या सिर्फ वहां पर रेफरेंडम करने का जो प्रोविजन था, दैट प्रोविजन वाज proposed in Mountbatten plan. तीसरा पॉइंट है फिक्स द डे ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इज 30 जून 1948. 30 जून 1948 निर्धारित की गई थी वो तारीख जिस तारीख पर हिंदुस्तान को क्या मिलेगा, आजादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, ट्रांसफर ऑफ पावर होगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. पहला ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली. Push your pause button दबाएं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. And do not forget to comment in the comment box. ठीक, तो सही आंसर है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी की जब हम बात करेंगे, तीनों की तीनों स्टेटमेंट इसमें गलत हैं. जब ये कह रहा हूं कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इसका मतलब ये पूछा क्या गया है नॉट करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है. और क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है इसका मतलब तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत हैं. राइट, हमने बहुत अच्छे से माउंटबेटन प्लान किया हुआ है. थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊं, माउंटबेटन फॉर्मूला जो था दैट वाज टू डिवाइड इंडिया एट द सेम टाइम रिटेन मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी. माउंटबेटन प्लान एक्चुअली में जब लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान में आए थे तो इससे पहले कैबिनेट मिशन हुआ था, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला हुआ था, सो फोर्थ क्रिप्स मिशन हुआ था. Right? इन सब के सब जो आपके एफर्ट्स लगाए गए थे इन सब में द आइडिया ऑफ अ सेपरेट कंट्री, द आइडिया ऑफ अ सेपरेट नेशन, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज रिजेक्टेड. माउंटबेटन प्लान वाज द फर्स्ट प्लान वेयर द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज एक्सेप्टेड. ये आपको याद रखना है. ठीक, यहाँ पर 28 जून नहीं था, यहाँ पर डिसाइड किया गया था 3rd June plan और माउंटबेटन प्लान. इसको 3rd June plan और माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है. एंड माउंटबेटन प्लान के हिसाब से ही द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डिसाइडेड एज 15th August 1947. 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आजादी की जो डेट है उसको निर्धारित किया गया था, उसे एक्सेप्ट किया गया था. क्यों किया गया था? क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर्ड एंड द वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया. ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड 15 अगस्त 1945 को खत्म हो गया था, दैट इज द रीजन माउंटबेटन considered that date as an auspicious date and he decided that India will get its freedom on 15th August 1947. ठीक, और भी बहुत सारी बातें थी इसमें, आप एक बार इसमें आप गो थ्रू करिए, इसको पढ़ लीजिए. राइट, ही डिसाइडेड टू गो विद पाकिस्तान. पहला प्लान था ऐसा जिसमें पाकिस्तान के आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया गया था. रेफरेंडम भी इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया था, ना सिर्फ आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बल्कि सिलेट में भी कर दिया गया था. सिलेट ने क्या किया, सिलेट ने पाकिस्तान में जाना बेहतर समझा. ओके, बॉन्डी कमीशन का भी गठन किया गया था माउंटबेटन प्लान के हिसाब से, उसी को हम रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं. तो रेड क्लिफ लाइन जो है ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और बांग्लादेश को भी डिवाइड करती है. बांग्लादेश 1971 में एग्जिस्टेंस में आया था, उससे पहले नहीं था. उससे पहले वो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पैसो. पैसो के बारे में आपको सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. क्या कहता है ये, इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो कानून के द्वारा बनती है. क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? दूसरा, अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है? दूसरा, इट ग्रांट्स लाइसेंस टू फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज एंड कंडक्ट्स अ पीरियोडिक इंस्पेक्शन. क्या ये फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग यानी पटाखों की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या ये उसको लाइसेंस देता है और क्या ये पीरियोडिक इंस्पेक्शन करता है? तीसरा, एनफोर्समेंट ऑफ पेट्रोलियम एक्ट 1934 इज एंट्रस्टेड टू पैसो. जो एनफोर्समेंट ऑफ पेट्रोलियम एक्ट 1934
34 है, that is related to PESO. PESO बोले तो Petroleum and Explosive Safety Organization. You have to find the correct statement. Two only, three only, two and three only, one and two only. Pause and write your answer in the comment box. The right answer is option number C. Option number C का मतलब second and third statement are correct. First statement गलत है. क्यों गलत है first statement? इसलिए गलत है first statement क्योंकि ये आता है आपका Department of Promotion of Industry and Internal Trade. यानी कि आपका DPIIT के अंदर ये आता है और DPIIT आता है आपके Ministry of Commerce and Industry के अंदर. Very 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 important point for your pre-exam. भी मैं आपसे पूछेगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि DPIIT कौन से मंत्रालय के अंदर आता है. तो it comes under the Ministry of Commerce and Industry. यहाँ पर क्या बोला उसने, यहाँ पर बोला कि it comes under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. बिल्कुल गलत statement, नहीं. ये आएगा DPIIT के अंदर, which comes under Ministry of Commerce and Industry. ठीक, very 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 important. बाकी की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक, स्क्रूटिनी एंड अप्रूवल ऑफ साइट का काम होता है, स्क्रूटिनी ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज का काम होता है, लाइसेंसिंग का काम होता है. दिस इज द पॉइंट, रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द यूनिट्स मेंशनड अबव, ये काम भी इनका होता है. न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए क्योंकि ग्रीन दिवाली, ग्रीन क्रैकर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है. लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एनजीटी ने डिसाइड किया था कि दे विल प्रमोट ग्रीन क्रैकर्स. उन ग्रीन क्रैकर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, राइट, जो उसका जो प्रोडक्शन है, दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ दिस. ठीक, इस वजह से चर्चा में था. तो जो अभी मैन्युफैक्चरिंग हुई आपकी ग्रीन क्रैकर्स की, ग्रीन प्रोडक्ट्स की, ठीक, उनका जो फाइनल जो अप्रूवल है, दैट इज येट टू बी एलोकेटेड. अभी वो एलोकेटेड नहीं हुआ है. कौन एलोकेट करेगा उसे? पैसा एलोकेट करेगा. इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगला सवाल, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के रिगार्डिंग. पहली स्टेटमेंट, इट स्टूड फॉर द वॉलंटियर ओवरथ्रो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म इंडिया. क्या ऐसा था? क्या ये वॉलंटियर ओवरथ्रो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के बारे में बात कर रहा है? क्या ये फ्री इंडिया के बारे में बात कर रहा है? क्या हिंदुस्तान में ये सोशलिज्म को इंप्लीमेंट करने के बारे में बात कर रहा है? दूसरा, इट सपोर्टेड द एलाइड वॉर एफर्ट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर द यूएसएसआर हैड जॉइंड द अलाइज. क्या इसने एलाइड वॉर एफर्ट्स को ज्वाइन किया था, खासतौर से जब यूएसएसआर. या देखो, आपको पता है ना, दो तरह की पावर थी आपकी, एलाइड पावर्स थी और आपकी एक्सिस पावर्स थी. जब आप एलाइड पावर की बात करोगे तो यूके, फ्रांस, अमेरिका, यूएसएसआर, चाइना, राइट. जब आप बात करोगे एक्सिस पावर्स की तो जापान, इटली, जर्मनी, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर, सोवियत सपोर्ट, टर्की, ठीक. तो ये आपके अलाइड पावर्स थी और ये थी आपके एक्सिस पावर. तो हुआ क्या कि जब यूएसएसआर ने ज्वाइन किया अलाइड पावर्स को, तो क्या इसने अलाइड के कॉज को, अलाइड पावर्स के कॉज को सपोर्ट किया था क्या? ठीक, तीसरा स्टेटमेंट, इट सपोर्टेड द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर इनटू इंडियन हैंड्स एंड एक्सेप्टेड पार्टीशन. क्या इसने इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडियन हैंड्स एंड एक्सेप्ट किया था द आइडिया ऑफ पार्टीशन को? ओके, वैसे यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. एक बार फिर से लाइट जा चुकी है एंड दिस इज नॉट गुड. बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं लेक्चर्स को बनाने में. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. तो लेट्स सी, इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, बट ओरली कवर करने की कोशिश करते हैं. तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूं कि इट सपोर्टेड द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर इनटू इंडियन हैंड्स एंड इट एक्सेप्टेड पार्टीशन. सो लेट्स डू वन थिंग, मैं अभी पॉज ले लेता हूं एंड जैसी लाइट आएगी तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा. सो ठीक, so we were talking about revolutionary socialist party. So you have to find the correct statement about revolutionary socialist party. So pehla option jo hai, that is, it stood for the violent overthrow of British imperialism and establishment of socialism in India. Second statement is, it supported the allied war effort in the second world war after the USSR had joined allies, jo abhi humne isse pehle discuss kiya. It supported the immediate transfer of power into Indian hands and accepted partition. You have to identify
the correct statement, one only, one and two only, two and three only, all of the above. Take pause and write your answer in the comment section. The right answer is option number A. Option number A ka matlab keval pehla statement sahi hai. Statement number 2 and 3 are not correct. They are incorrect. Theek? अगर हम बात करें आपके रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की तो 20वीं जो सदी है राइट जो आपका 20th सेंचुरी है वहां से ये अपना रूट्स लेती है एंड इट वाज स्टार्टेड इट वाज लॉन्च्ड इन 1940 क्या ऑब्जेक्टिव था इसका वॉलेंट ओवरथ्रो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो व्हाट इज सोशलिज्म सोशलिज्म का मतलब समाजवाद समाजवाद का मतलब Classless society, equal distribution of resources. But when we talk about Indian socialism talks about the equal opportunity, the equal distribution of opportunity, right? So, ये difference होता है आपके ideal socialism and Indian ideal of socialism में. But यहाँ पे भी socialism के बारे में बात हो रही है. That was the earlier concept of socialism. ठीक? उसके बाद बात करें जो आपका socialist party है, revolutionary socialist party है, it was closer. To Congress Socialist Party, then Communist Party, very 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 important. Congress की जो Socialist Party थी, उससे ज़्यादा ये निकट थी, उसकी ideology से ज़्यादा संबंधित थी as compared to the Communist Party. ठीक आगे बढ़े. Gandhi Bose Kassel, the RSP was supported or it supported Bose. जब गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में conflict चल रहा था. विचारों का मतभेद चल रहा था टसल चल रहा था उस दौरान जो आपकी सोशलिस्ट पार्टी है रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है इट सपोर्टेड बोस इट मींस इट वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ गांधी गांधी की विचारधारा के खिलाफ थे ये सपोर्ट किया इन्होंने बोस को वेरी 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 इंपॉर्टेंट आरएसपी यानी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी इट रिफ्यूज टू सपोर्ट दैट काइंड ऑफ वॉर एफर्ट्स अगर आप देखो समाजवाद के बारे में जब हम बात करते हैं तो द फ्लैग बेयरर ऑफ समाजवाद द फ्लैग बेयरर ऑफ सोशलिज्म वाज यूएसएसआर राइट लेकिन यूएसएसआर जो है वो एलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लेता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरएसपी बिकॉज इट आल्सो सपोर्ट सोशलिज्म एंड यूएसएसआर आल्सो सपोर्ट सोशलिज्म तो जहां भी यूएसएसआर जाएगा आरएसपी उसको चेस करेगा ऐसा नहीं हुआ तो यूएसएसआर एलाइड सर्विसेज को ज्वाइन करता है एलाइड पावर्स को ज्वाइन करता है But still, RSP जो है वो support नहीं करती है allied powers को. This is important point. देखो example point of view से बहुत ज़्यादा important नहीं है. ऐसे questions बहुत कम पूछे गए हैं. पिछले दो तीन सालों का trend देखें तो आ जाता है इधर उधर ऐसे questions आ रहे हैं. लेकिन अगर हम on a very large picture देखें पिछले 12-15 सालों का तो इतना detail वो नहीं पूछता है. हाँ, इसमें अपने लिए जो important है that is communism, the idea of communism. दूसरा अपने लिए important है The idea of socialism. तीसरा important है axis powers. चौथा important है allied powers. So you should have a basic understanding of World War First, World War Second. ठीक? इसके अलावा आपको socialism के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, communism के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. और ये कुछ factual information है जो आपके काम की है. उसके बाद बात करेंगे अगले सवाल की. Find the correct statement about Rajgopalachari formula. तो आपको correct statement find out करनी है. Topic is Rajgopalachari. क्या कहता है पहली स्टेटमेंट इंप्लिसिटली एग्रीड टू द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान की डिमांड को इंप्लिसिटली का मतलब होता है कि इन्होंने ये बोला नहीं कि वी आर एक्सपेक्टिंग द डिमांड ऑफ पाकिस्तान बट इनके जो प्रावधान थे इनके जो प्रपोजल थे उन प्रपोजल्स को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इंप्लिसिटली एक्सेप्टिंग द आइडिया ऑफ पाकिस्तान अंतर्निहित जिसको हिंदी में कहा जाता है कि एक्सप्लिसिटली नहीं बोला कि वी आर सपोर्टिंग और वी आर बिलीविंग और वी आर एक्सेप्टिंग द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बट इट इज इंप्लिसिटली अंतर्निहित था इस प्रोग्राम में क्या ऐसा था दूसरा मुस्लिम लीग एग्री टू द फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चन ऑफ प्लेबिसाइट इन द मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज मुस्लिम लीग जो है इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लेती है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लेती है किस टॉपिक पर किस मुद्दे पर प्लेबिसाइट कंडक्ट करने के मुद्दे पर जो मुस्लिम क्षेत्र थे जहां पर प्लेबिसाइट कंडक्ट होगा ठीक जो राजगोपालाचारी के बहुत सारे प्रावधानों में से एक प्रावधान था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर हम प्लेबिसाइट कंडक्ट करेंगे और वहां की जो जनता है द जनता विल डिसाइड कि वेदर दे वांट टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान राइट तो क्या उस आइडिया को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया था तीसरा द फॉर्मूला वॉज वाइडली सपोर्टेड बाई वेरियस सेक्शन
लाइक द सिख ग्रुप, हिंदू महासभा एक्सेट्रा, ऋषि द्रोणाचार्य था, इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लिया गया था बाय द हिंदू, बाय द सिख कम्युनिटी, सिख समाज के द्वारा और हिंदू महासभा के द्वारा। पॉज लो, सोचो इसके बारे में, एलिमिनेशन मेथड यूज करो और नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर लिखें। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। क्या देखो, पहली स्टेटमेंट में तो कोई कंफ्यूजन है कि क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है, इम्प्लिसिटली मेंशन था इसमें। ठीक, अगर आप देखो राजगोपालाचारी का जो फॉर्मूला था वो प्लेबिसाइट के बारे में बात कर रहा है, वो रेफरेंडम के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो जब वो प्लेबिसाइट और रेफरेंडम के बारे में बात कर रहा है तो मुस्लिम लीग जो है उस पर ऑब्जेक्शन उठाती है। क्या कहती है मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग बोलती है कि भाई प्लेबिसाइट करवा ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रेफरेंडम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो होंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को यह राइट होगा कि वो प्लेबिसाइट में पार्टिसिपेट करेंगे, हिंदुओं को वोट करने का अधिकार नहीं होगा। तो इस मुद्दे पर वो राजगोपालाचारी फॉर्मूले को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या था इसमें? मुस्लिम लीग वुड जॉइन हैंड्स विद द आईएनसी टू डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो पहला प्रपोजल ये था कि हम क्या करेंगे, हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स ज्वाइन करेंगे, बट द मेन ऑब्जेक्टिव विल बी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे एक साथ होकर, एकजुट होकर, और जब हम ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से भगा देंगे, हिंदुस्तान से भेज देंगे, वापस अपने देश भेज देंगे, तो उसके बाद राजगोपालाचारी जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, राजगोपालाचारी फॉर्मूला लागू होगा। Both parties will cooperate and form a provisional government at the center. दोनों पार्टी मुस्लिम लीग और आपकी कांग्रेस एक दूसरे का सपोर्ट करेगी और एक प्रोविजनल सरकार बनाएगी, यानी टेम्पररी सरकार बनाएगी, कहां पर? सेंटर में। This is important, very important. It had implicit provision for creation of separate state of Pakistan. Implicitly अंतर्निहित था इस फॉर्मूले में। और क्या था इसमें? In case of partition, अगर partition होता है, अगर बंटवारा होता है, तो तीन चीजें जो होंगी वो कॉमन होंगी, यानी कि पूरे तरीके से दो सोवरेन कंट्री नहीं बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड पाकिस्तान, इफ दे गेट सेपरेटेड, राइट, दे विल नॉट बिकम टू डिफरेंट सोवरेन कंट्रीज, वो दो अलग देश बनेंगे लेकिन संप्रभुता एक होगी। वो शेयर करेंगे, क्या शेयर करेंगे? डिफेंस शेयर करेंगे, कम्युनिकेशन शेयर करेंगे और शेयर करेंगे कॉमर्स। तो ये तीन जो चीजें हैं, ये तीनों कॉमन शेयर होंगी। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। सोवरेन का मतलब क्या, संप्रभुता का मतलब क्या, कि यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजन, वेदर दीज डिसीजंस आर रिलेटेड टू योर इंटरनल मैटर्स और रिलेटेड टू योर एक्सटर्नल मैटर्स। और क्या था इसमें? द अबाउट कम्स टू कम टू फ्रूटेशन ओनली इफ ब्रिटिश ट्रांसफर फुल पावर्स टू इंडिया। जैसे ही हिंदुस्तान को पूरी ताकत मिलेगी, जैसे ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान को छोड़ के जाएंगे, तभी राजगोपालाचारी जो है वो लागू होगा, इससे पहले लागू नहीं होगा, फेल हो जाता है। जिन्ना को प्रॉब्लम था, किस चीज के ऊपर प्रॉब्लम था, जो मैंने भी आपको बताया, जो प्लेबिसाइट है उसके फॉर्म को लेकर, उसके स्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम था, कॉमन सेंटर को लेकर भी प्रॉब्लम था, ये वाले आईडी को लेकर प्रॉब्लम था कि भैया मैं नहीं देना चाहता डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सिखों को क्या दिक्कत थी? सिखों को भी दिक्कत थी, उनका कहना है यार पंजाब को अगर तुम डिवाइड करोगे तो हमारे लिए दिक्कत है, क्यों? क्योंकि पंजाब में हम मेजोरिटी है, लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नॉट अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट वाज देयर जहां पर सिख कम्युनिटी मेजोरिटी में हो। तो ज्यादातर जो पंजाब था उस पंजाब में तो सिख कम्युनिटी मेजोरिटी में है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मेजोरिटी में नहीं है, तो उनको लॉस होना था इससे। ठीक, अगर हम हिंदू महासभा की बात करें तो वो तो सिरे से नकार देते हैं इस फॉर्मूले को, वो कहते हैं भैया अखंड भारत है, अखंड ही रहने वाला है, वी डू नॉट एक्सेप्ट द डिमांड फॉर पार्टीशन, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सीआर फॉर्मूला को किसका समर्थन मिला था? महात्मा गांधी का समर्थन मिला था, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एग्जाम, महात्मा गांधी अप्रूव्ड द सीआर फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट कांग्रेस और अ पर्टिकुलर कांग्रेस मैन और पर्टिकुलर लीडर ऑफ कांग्रेस एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। ठीक, इससे पहले कांग्रेस ने पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया था आइडिया ऑफ पाकिस्तान को, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन एनी कांग्रेस पर्सन और एनी कांग्रेस लीडर एक्नॉलेज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मुझे इस क्वेश्चन को मार्क करना हो कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आई विल गिव इट 5 स्टार। आने वाला जो आपका एग्जाम है 2020 का, 2021 का, या
कोई भी एग्जाम है राजगोपालाचारी फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो इसको अच्छे से पढ़ लो, जो यहाँ पे लिखा है इट इज मोर देन इनफ, बट स्टिल रेफर टू योर स्पेक्ट्रम और वहां से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट तस्मानियन टाइगर। तस्मानियन टाइगर के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है सही स्टेटमेंट। इट इज अ कार्निवरस मार्सिपल मैमल एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। क्या ये कार्निवरस मार्सिपल मैमल है जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? दूसरा, इट इज द ओनली टाइगर स्पीशीज जो हैव बीन कैटेगराइज्ड नियर थ्रेटेंड बाय द IUCN। डायरेक्टली आपसे इसका IUCN स्टेटस पूछ रहा है, तो पॉज बटन दबाएं और अपना आंसर नीचे मेंशन करें। ओके, द राइट आंसर इज ए ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज इसका IUCN स्टेटस एक्सटिंक्ट है। यार मार्सुपियल क्या होता है, मैं तो ये समझो मार्सुपियल होता है कि आपका वो मैमल, इट इज अ टाइप ऑफ मैमल वेयर बेबीज आर बॉर्न बिफोर दे आर फुली डेवलप्ड। या कंगारू को इमेजिन कर लो, ठीक है? तो कंगारू जो है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है एंड स्टिल वो अपनी मदर के साथ अटैच्ड है, राइट? वो अपनी मदर के पाउच में ग्रो कर रहा है। तो इस तरह के जो मैमल्स होते हैं उनको मार्सुपियल कहा जाता है, मार्सुपियल मैमल्स कहा जाता है। तो ठीक, तो कंगारू इसका एग्जांपल है। अगर हम बात करें IUCN स्टेटस के, तो एक्सटिंक्ट इसका IUCN स्टेटस है। रटाफिकेशन का टॉपिक है, ज्यादा सर नहीं लगाएंगे इसमें। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट INA ट्रायल्स। पहला स्टेटमेंट, एजुकेशन इन सपोर्ट ऑफ द INA बिजनेस वाज लिमिटेड ओनली टू द मेजर सिटीज ऑफ दिल्ली, बॉम्बे एंड कलकत्ता। जो आपका एजुकेशन था या फिर जो सपोर्ट था ये बिजनेस को, वो बहुत ही लिमिटेड था, वो सिर्फ दिल्ली, बंबई और कलकत्ता तक सीमित था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा, there were several incidences of communal violence during the agitation. Communal violence यानी कि आपकी सांप्रदायिक हिंसा जो है वो बहुत ज्यादा हुई थी INA ट्रायल्स के दौरान। आपको identify करना है करेक्ट स्टेटमेंट। One only, two only, both one and two, neither one nor two. पॉज बटन दबाए, अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखें। So answer is D. इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर हम इसके ज्योग्राफिकल रीच के बारे में बात करें तो ना सिर्फ दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास तक ये फैला हुआ था, बल्कि यूपी, पंजाब, इसके अलावा साउथ इंडिया में, पूर्व में, बलूचिस्तान में, असम में, सारी जगह जो है ये फैल चुका था। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो आपको नॉट अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ कम्युनल वॉयस देखने को मिलता है। तो सारे के सारे सोशल ग्रुप, सारे के सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स, राइट, सारे के सारे कम्युनल ग्रुप्स, वो सारे के सारे एक हो जाते हैं और एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो आपको आपको जो है कम्युनल टेंशन, कम्युनल वॉयस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग डिमांड्स वर मेड अंडर द ऑल इंडिया किसान मैनिफेस्टो 1936 का जो ऑल इंडिया किसान मैनिफेस्टो था, निम्नलिखित में से कौन कौन सी डिमांड उसमें की गई थी? करेक्ट ऑप्शन पहला है 50% रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू रेंट। क्या 50% का रिडक्शन था लैंड रेवेन्यू रेंट में? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर टेनेंट्स, जो आपके जो टेनेंट्स हैं यानी कि जो आपके किराएदार हैं, टेनेंट्स से मतलब वो भूमि किसान जिनको जमींदारों ने अपनी जमीन पे रखा हुआ है, वहां पे वो किसानी कर रहे हैं, ठीक, दे डू नॉट ओन दैट पर्टिकुलर लैंड, वो काम करते हैं जमींदार के अंदर, तो उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया था। क्या ये हुआ था? कैंसिलेशन ऑफ ऑल एरियर्स ऑफ रेंट एंड रेवेन्यू, जितने भी आपके एरियर से बकाया जो था रेंट, जो आपने देना था, जो रेवेन्यू आपने देना था, उसको कैंसिल करने के बारे में इसमें लिखा है। चौथा है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड इंप्रिजनमेंट फॉर इनएबिलिटी टू पे डेब्ट। अगर आप अपना डेब्ट नहीं दे पा रहे, आप अपना उधार नहीं चुका पा रहे हैं, तो आपको फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड इंप्रिजनमेंट की डिमांड भी की गई थी मैनिफेस्टो में। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन 1, 2, 3 ओनली, 2, 3 and 4 only, 1 and 4 only, all of the statements are correct. ठीक, पॉज बटन दबाए, आंसर लिखे कमेंट बॉक्स में। अच्छा दूसरा, इफ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द टॉपिक और अगर आप कंफ्यूज हैं आंसर्स में, स्टिल प्लीज आप अपना आंसर जरूर लिखें, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक, यूपीएससी के रियल एग्जाम में भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी तैयारी है देन ओनली आप 40 टू 45 क्वेश्चन तक जा पाएंगे। उसके बाद की जो आपकी 30 से 30 क्वेश्चन के आसपास की जो जर्नी होगी वो आपकी इंटेलिजेंट गेस पर होगी, वो आपके एलिमिनेशन मेथड से होगी, और कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनकी आपको हवा भी नहीं लगेगी। ठीक, तो अभी से आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आ रहा है, स्टिल उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और फिर देखें कि आपने जो कॉमन सेंस लगाया था वो कहां पर गलत हुआ। ठीक,
ठीक, पॉज बटन दबाएं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऑप्शन इज डी, राइट आंसर इज डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 50% रिडक्शन इन लैंड लेवल नेट बिल्कुल जो है डिमांड किया गया था, सिटी ऑफ टेलर फॉर टेनिस डिमांड किया गया था, कैंसिलेशन ऑफ ऑल एरियर्स एंड रेवेन्यू एंड रेंट जो है एक्सेप्ट किया गया था, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड इंप्रिजनमेंट भी डिमांड किया गया था। इसके अलावा आपको पता होगा 1937 में इलेक्शन होते हैं जिसमें कांग्रेस जीती है 11 में से 6 प्रोविंसेस में, राइट। तो जो कांग्रेस का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें ऑल इंडिया किसान मैनिफेस्टो की इन बातों को भी शामिल किया गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक। यहाँ पे सेम पॉइंट लिखा है कि जो आपका किसान मैनिफेस्टो है इसको इसमें क्या क्या बातें थी, ये सारे पॉइंट इसमें लिखे हैं, ठीक। अगला सवाल, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बनारस कॉन्स्पिरेसी, बनारस षड्यंत्र के बारे में आपको सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। क्या कहती है पहली स्टेटमेंट, इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रपोज्ड आर्म रेबेलियन इन इंडिया बाय गदर फंक्शनरीज। क्या ये गदर आंदोलन से रिलेटेड है क्या, क्या ये गदर आंदोलनकारी जो थे उनका ये इनिशिएटिव था। दूसरा, राज बिहारी बोस वाज इन्वॉल्वड इन इट, क्या राज बिहारी बोस आपके बनारस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई कॉमन सेंस नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत लगा सकते हो, खासतौर से बोलूं तो बिल्कुल ही लगा सकते हैं जिन लोगों ने एलएनसी के सेकेंडरी में ये क्लास पढ़ी है। हमने ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया, अभी तक एक या दो क्वेश्चन ऐसे जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, अदरवाइज मोस्टली सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। तो प्रेस योर पॉज बटन एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। द राइट आंसर इज सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें आपके गदर मूवमेंट की, 1914 में स्टार्ट होता है कहां पर, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक ठीक ठीक। आगे बढ़े, कौन थे इसके लीडर, लाला हरदयाल, ठीक। और क्या था इसमें इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट था इसमें इट वॉज अ वॉयलेंट मूवमेंट जिसमें प्लान किया गया था हिंदुस्तान में आएंगे, खासतौर से पंजाब को टारगेट किया गया था। और एंड बट दे विल डू, दे विल weave a conspiracy, they will plan a violent method, a violent attempt to outthrow the government, the British government. But दिक्कत क्या है इसमें, leadership crisis, क्यों leadership crisis, लोग यकीन ही नहीं करते इस idea पे, और जो हवाई बातें जो निर्धारित की गई थी, जो plan decide किए गए थे वो बहुत दूर थे ground situation से। तो जब पहुंचते हैं आपके leaders कहां पर, पंजाब में, तो दो बातें होती हैं। पहला, जनता जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती है उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा क्या होता है, जो सीआईडी होती है, जो पुलिस होती है ब्रिटिशर्स की, वो पहले से ही भाप जाती है, उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और मूवमेंट को वहीं क्रश कर दिया जाता है। लेकिन इन बिटवीन क्या होता है, नए लीडर्स को ढूंढने की कोशिश होती है, और उन ढूंढने की कोशिश में राज बिहारी बोस की जिम्मेदारी दी जाती है कि वो गदर आंदोलन को क्या करें, पंजाब में चलाए। तो ये षड्यंत्र जहां पर रचा जा रहा था उस जगह का नाम था बनारस, इसीलिए इसको बनारस कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। इनको एक बार आप पढ़ लेना, इसमें कौन कौन शामिल थे, सचिंद्रनाथ सान्याल, विष्णु गणेश पिंगली, ठीक है। राजबिहारी बोस की अगर बात, राजबिहारी बोस की अगर बात करें तो राजबिहारी बोस जो है वो एक अटेम्प्ट टू मर्डर में भी शामिल थे, जब इन्होंने 1912 एज फार एज आई रिमेंबर लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर अटैक किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज। इसको मैं दोबारा से 5 स्टार्ट दूंगा, भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, बट पढ़ना तो सभी है, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी की टेस्ट के होते हैं। तो आपको बता रहा है वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज। पहला स्टेटमेंट, इट वॉज अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच गांधी इंट्रोड्यूस और इन्वाइटेड वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी मास कैंपेन, क्या ऐसा था। ठीक, दूसरा, गांधी जी इंक्लूडेड सेलेक्टेड वुमेन इन हिज ओरिजिनल कोर ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स इन द दांडी मार्च। भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, तुमने अगर ये ठीक कर दिया ना तो मजा आ जाएगा, एंड अपने आप को शाबाशी देना, ठीक है, अपने पीठ थपथपाना कि आपने एक अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ये एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, रट्टू तोते नहीं कर पाएंगे, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए ये क्वेश्चन केक वॉक है, अच्छा क्वेश्चन।
पहला स्टेटमेंट, इट वाज अ नॉन पॉपुलेशन मूवमेंट इन विच गांधी इनवाइटेड वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी मास कैंपेन. क्या नॉन पॉपुलेशन मूवमेंट पहला वो मूवमेंट था जिसमें गांधी ने महिलाओं को निमंत्रण दिया था अपने मास मूवमेंट को ज्वाइन करने के, अपने जन आंदोलन को ज्वाइन करने के लिए. क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा, गांधी इंक्लूडेड सिलेक्टेड वुमेन इन हिज ओरिजिनल कोर ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स इन द दांडी मार्च. दांडी मार्च जब वो गांधी कर रहे थे तो जो 72 डेलीगेट्स थे, 72-78 चेक कर लो, आइए 72 शायद, एक बार चेक कर लो, 72 या 78 जो 72 डेलीगेट्स थे या 78 डेलीगेट्स थे उनमें महिलाओं को भी निमंत्रण दिया गया था और कोर ग्रुप जो था उसमें महिलाएं भी शामिल थी. कोर ग्रुप के बारे में बात हो रही है, याद रखना कोर ग्रुप के बारे में बात हो रही है. क्या कोर ग्रुप में गांधी ने महिलाओं को भी शामिल किया था? ठीक, वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नीदर वन नॉट टू. पॉज बटन दबाओ, आराम से 2-3 मिनट लगाओ और तब इस आंसर को अटेम्प्ट करो. अगर आपका आंसर सही होता है तो मेरी तरफ से अपने पीठ पर शाबाशी देना, ठीक है, अपने आप को शाबाशी देना, तैयारी सही चल रही है, अच्छी चल रही है. और अगर गलत होता है कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग इसे गलत करेंगे. ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है. तो पहला कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी ने इनवाइट किया था? रॉलेट सत्याग्रह. एनसीएम से पहले क्या हुआ था भाई? हुआ था आपका रॉलेट सत्याग्रह. तो रॉलेट सत्याग्रह में महिलाओं ने मास मूवमेंट पे पार्टिसिपेट किया था. गांधी इनवाइटेड देम, गांधी ने इनवाइट किया था मास मूवमेंट में महिलाओं को. तो एनसीएम में नहीं बल्कि आपके रॉलेट सत्याग्रह में सबसे पहली बार इनवाइट किया गया था. फिर एनसीएम में संख्या बढ़ जाती है और संख्या अपने पीक पर पहुंचती है सीडीएम में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दौरान, किस नेशनल मूवमेंट के दौरान गांधी के आंदोलन में महिलाओं की संख्या अपने पीक पर थी? तो आंसर इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन. और अगर आपसे पूछे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपने पीक पर किस आंदोलन में थी, तो वो था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सीडीएम में हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी होती है वो श्रिंक हो जाती है, वो कम हो जाती है. लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो ये बहुत पीक पर थी. किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? बात कर रहा हूं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की. दोनों पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, बुद्धि में घुसा लो, बिठा लो, यही पूछने वाला है यूपीएससी. ठीक, तो ये सब इसमें लिखा है जो मैंने आपको बताया. और हाँ, ये अगर हम बात करें ओरिजिनल कोर ग्रुप की, तो गांधी ने नहीं शामिल किया था. ठीक, गांधी ने एक भी महिला को शामिल नहीं किया था अपने अपना जो दांडी मार्च था उसके कोर ग्रुप में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉजिक लगाओगे तो सरोजिनी नायडू शायद तुम लगा सकते हो वहां पे लॉजिक, बट गलत हो जाएगा. कोर ग्रुप में कोई नहीं था. उसके बाद अगला क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फ्री इंडिया लीजन के बारे में आपको बता रहा है. इट वाज अ मिलिट्री यूनिट ऑर्गेनाइज्ड इन जर्मनी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. क्या ऐसा था? दूसरा, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय तारकनाथ दास एंड राजकुमारी बोस. फ्री इंडिया लीजन के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अगर आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर तो आप इसे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं. वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नीदर वन नॉट टू. प्रेस बटन अब तक आप दबा चुके होंगे मुझे उम्मीद है, और अब तक आपने अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा. ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जर्मनी में लीजन जो आपका लीजन जो है फ्री इंडिया लीजन जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है? दूसरी स्टेटमेंट इसलिए गलत है भाई कि फ्री इंडिया लीजन जो है वो तारकनाथ दास ने या राजकुमारी बोस ने नहीं फॉर्म किया था. इट वॉज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था फ्री इंडिया लीजन. दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 1941 की बात यह है. उसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर द कंपोनेंट्स ऑफ गांधीज एक्सटर्नल ट्रूप सिस्टम एसटीएस स्ट्रेटजी. बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन. गांधी से रिलेटेड तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ बेहतरीन है. तो आपको बताना है स्ट्रगल ट्रूप्स, स्ट्रगल जो स्ट्रेटेजी थी इनमें से क्या उसमें शामिल था, क्या था एसटीएस स्ट्रेटेजी. अगर आप गांधी के मूवमेंट्स को आप पढ़ रहे हैं तो हमने भी क्लास में डिस्कस किया था, गांधी के मूवमेंट बहुत सिंपल से होते थे यार. पहले स्ट्रगल करेंगे, फिर शांति की बात करेंगे और फिर दोबारा स्ट्रगल करेंगे. दिस इज कॉल्ड एसटीएस स्ट्रेटेजी. यानी कि प्रोलॉन्ग स्ट्रगल नहीं होगा कि भैया एक बार शुरू कर दिया तो खत्म करके मानेंगे, नहीं ऐसा नहीं है. पहले आप स्ट्रगल करेंगे, फिर आप ट्रूस करेंगे, ट्रूस मतलब शांति वार्ता करेंगे, आप नेगोशिएट करेंगे और उसके बाद आप दोबारा से स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे. तो एसटीएस स्ट्रेटजी में निम्नलिखित में से कौन-कौन सी चीजें थी, ठीक है, कौन कौन सी चीजें शामिल थी. पहला है आपका फेज ऑफ नॉन मास मूवमेंट,
सेकेंड इज फेज ऑफ एक्स्ट्रा लीगल मास स्ट्रगल, तीसरा है कंटिन्यूअस मास स्ट्रगल टिल फ्रीडम इज अचीव्ड। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि एसटीएस स्ट्रेटजी क्या थी, तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। टेक 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 3 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली, आराम से बाहर यार, छक्का है ये एकदम, फुल टॉस बॉल छक्का बनना चाहिए इसका। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सीधी बात है यार, कंटीन्यूअस मास स्ट्रगल टिल फ्रीडम इज अचीव्ड तो हो ही नहीं सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 एंड 2 फेज ऑफ नॉन मास मूवमेंट, तो पहले क्या होगा, आप बात करोगे, स्ट्रगल करोगे, ठीक, आप लेटर लिखोगे, इवन गांधी जी पे याद है ना, तो पहले आप लेटर लिखोगे ना उनको कि भैया हमें ये चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नॉन मास मूवमेंट करेंगे, पहले चिट्ठियां भेजेंगे कि हमारी बात मान लो, वो नहीं मानेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद फिर आप लोगे एक्स्ट्रा लीगल मास स्ट्रगल का तरीका अपनाओगे, ठीक है, फिर जनता को सड़कों पर लेके आओगे, फिर मूवमेंट होगा। अगला सवाल, बाकी ये सारी बातें पढ़ लेना, इसमें सब कुछ लिखा है। Which of the following statement is not correct about B.R. Ambedkar? Very very important, 5-star question है ये, कि very important, बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के, अंबेडकर काफी ज़्यादा चर्चा में भी रहे हैं, साल हर साल रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important question है। तो पहली statement है, अच्छा याद रखना, you have to identify the incorrect statement. He attended all the three round table conferences and क्या तीनों की तीनों आरटीसी इन्होंने अटेंड करी थी। लाइक गांधी ही बिलीव दैट विलेज पंचायत्स विल एड इन एम्पावरमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस। गांधी जैसे पंचायत सिस्टम पर यकीन करते थे, क्या अंबेडकर भी पंचायत सिस्टम पर यकीन करते थे। तीसरा, ही वाज रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग अप द बहिष्कृत हितकरणी सभा। पैचल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि क्या बहिष्कृत हितकरणी सभा जो है इसका गठन बी आर अंबेडकर ने किया था। और चौथा स्टेटमेंट है, he was appointed to the executive council of the governor general of India labor member as labor member। तो इन्होंने executive council of governor general को join किया था as labor member, ठीक है, labor member थे या law member, confused नहीं होना। Again press करो अपना pause button and attempt this question। ओके, सीधा सा सवाल है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये गलत है। पहली बात करें तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, हजार बार पढ़ा चुका हूँ, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो ये तो हो गया। कि इसके अलावा दूसरी स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है भाई, ये नहीं यकीन करते थे पंचायत के ऊपर, क्या कहना था इनका, इनका कहना कि अगर हम पंचायत सिस्टम पर ज्यादा रिलाय करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम जो है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कास्ट सिस्टम की बात करें तो विलेजेस में वो ज्यादा प्रीवेलेंट है, राइट, पंचायत कहां पर होनी है, विलेजेस में होनी है। तो उनका ये कहना है कि अगर पंचायत सिस्टम को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को अपने इतना ज्यादा यूनिट पर लेकर चले गए, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर लेकर चले गए, तो वहां पर जो डिप्रेस क्लासेस है उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होगा, बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी, क्योंकि गाँव में देहातों में कास्ट सिस्टम उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा प्रीवेलेंट था, आज भी बहुत ज्यादा प्रीवेलेंट है। तो ही वाज अगेंस्ट द आईडिया ऑफ विलेज पंचायत, ही वाज रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग अप द बहिष्कृत हितकरणी सभा। तुमने कभी जिंदगी में अगर एबीसीडी भी पढ़ी है ना बी आर अंबेडकर की, तो तुम्हारा तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल तुम्हें पता होना चाहिए कि सही स्टेटमेंट है, बहिष्कृत हितकरणी सभा जो है वो इन्होंने ही स्थापित करी थी, ठीक। ही वाज अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेबर मेंबर। सिंपल फैक्चुअल पॉइंट है, कभी अगर जीवनी पढ़ी है इनकी तो सारे पॉइंट आपको पता होंगे, बाकी सेकंड वाले का थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, ये सारी कहानियां मैंने इसमें लिखी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन 1939। क्या कारण था जिस वजह से आपकी जो प्रोविंशियल सरकार है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इलेक्शन होते हैं 1937 में और 11 में से 6 ऐसे प्रांत होते हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार बन जाती है, प्रांतों में सरकार बनती है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब प्रांतीय सरकारें। तो क्यों रिजाइन किया था कांग्रेस ने 1939 में सभी प्रांतों से। पहला ऑप्शन इन रिएक्शन टू द डिमांड ऑफ पाकिस्तान बाय मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की डिमांड करता है तो नाराज हो जाते हैं कांग्रेस वाले, रिजाइन कर देते हैं। रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, भैया मांग रहे थे संविधानिक सभा नहीं मिली तो रिजाइन कर दिया। इन एंटीसिपेशन ऑफ द जापानीज एग्रेशन ऑन इंडिया, जापान जो है वो हमला करने वाला था तो डर गए और डर के मारे रिजाइन कर दिया। तीसरा, चौथा, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी एट वॉर विद जर्मनी विदाउट कंसल्टिंग लीडरशिप, जो है सरकार जो थी ब्रिटिश सरकार जो थी
उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट हिंदुस्तान विल टेक पार्ट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर विदाउट टेकिंग एनी कंसल्टेशन फ्रॉम इंडियन लीडरशिप. हिंदुस्तानियों से पूछे बिना, हिंदुस्तानी लीडरशिप से पूछे बिना, दे डिक्लेयर दैट इंडिया विल टेक पार्ट इन योर सेकंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी. तो क्या कारण था जिस कारण की वजह से इन्होंने अपनी लीडरशिप को क्विट कर दिया था, रिजाइन दे दिया था. फुल टॉस क्वेश्चन है, बोलने की जरूरत नहीं, कर लो इसको आराम से. क्या है इसका आंसर? डी ऑप्शन. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डेरी पैक्ट. डेरी पैक्ट के बारे में क्या सही नहीं था? डेरी पैक्ट ऑल्सो नोन एज गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता. एक थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने तुमको. तो पहला क्या, इट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड वॉजराय इरविन. क्या ये सही है? अब तो मैंने हिंट दे दिया, हो सकता है मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है. तो पहला स्टेटमेंट, इट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड वॉजराय इरविन. क्या डेरी पैक्ट गांधी और इरविन के बीच में साइन हुआ था? दूसरा, इट प्लेस द कांग्रेस ऑन एन इक्वल फुटिंग विद द गवर्नमेंट. सरकार के बिल्कुल समान जो है हम जाके खड़े हुए थे. अंडर इट द गवर्नमेंट एग्रीड टू ग्रांट द राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजम्पशन. इस एक्ट में, दिल्ली पैक्ट में जो सरकार थी वो सरकार एग्री हो जाती है कि अब जो है हिंदुस्तानी क्या कर सकता है, सॉल्ट बना सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए. और चौथा पॉइंट है, इट एक्सेप्टेड गांधीज डिमांड फॉर पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस. ठीक है, सीडीएम के दौरान जो पुलिस एक्सेस जो हुई थी, ठीक है, जो निर्ममता पुलिस के द्वारा की गई थी, उसकी जांच बिठाने के लिए तैयार हो गए थे आपके ब्रिटिशर्स. क्या ऐसा था डेरी पैक्ट में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये गलत कर दिया तो पंखे में लटक के सुसाइड कर लेगा. इतनी बार पढ़ चुके हैं इसको, और जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं वो मत पढ़ें.